चलिए ये दे दूंगा लेक्चर आपको, आप देखें बाद में, अगर किसी चीज की समझ ना लगे आपको जाकर रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज लेक्चर स्टार्ट होने वाले, बैठ जाए जल्दी से। अच्छा सबसे पहले द फॉर लूप ऑफ, ठीक है अभी तक हमने ये जो ऊपर वाली चीजें तो कर ली थी कल कवर, फॉर ऑफ लूप देखते हैं। फॉर ऑफ लूप क्या है? फॉर लूप हमने किया था ना, चलिए फॉर ऑफ लूप, द जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द वैल्यूज ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है अब किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट, अरे जो है ये भी इटरेबल ऑब्जेक्ट ही होता है एक किस्म का, लेकिन ठीक है चलो इस चीज को छोड़े। फॉर ऑफ लूप हम यूज करते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट्स पे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो, अरेज, स्ट्रिंग्स, मैप्स और नोड लिस्ट। नोड लिस्ट के बारे में हम जानते हैं जब हमने यहाँ पे डॉम के साथ खेलना शुरू किया था। अब जब कलेक्शन मंगवाते थे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल करके, ये डॉक्यूमेंट इस तरह गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है आपके पास जो लिस्ट बनकर आती थी वो नोड लिस्ट की, अरे की तरह की कलेक्शन, हम उस पे भी ये फॉर ऑफ लूप ला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने लूप लिखा फॉर, उसके बाद वेरिएबल का नेम, वेरिएबल के नेम को लिखने के बाद ऑफ और अरे, ठीक है जिस अरे पे आपने इस लूप को रन करना है, आपको वन बाय वन अरे की वैल्यू इस वेरिएबल में मिलने वाली है। जो यहाँ पे वेरिएबल आपने बना देना है, आपको कोई इंडेक्सिंग करने की, कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है इस चीज में फॉर ऑफ लूप में। पहले फॉर में क्या करते थे, आप तीन इसमें क्या कहते हैं वो करते थे, स्टेटमेंट्स लिखते थे, ठीक है इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, इसमें सिर्फ आपने वेरिएबल यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ऑफ कीवर्ड है और यहाँ पे जो भी अरे, ठीक है वन बाय वन करके आपको उसकी वैल्यू जो है वो यूज कर सकेंगे आप इस ब्लॉक के अंदर। जी वेरिएबल में शो करवाएगा, ठीक है। अच्छा किस तरह, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास अरे मौजूद है, ठीक है कार्ड्स की अरे मौजूद है, हमने क्या किया फॉर लेट एक्स, ठीक है अच्छा ये एक्स जो है लेट एक्स ऑफ कार्ड्स, ठीक है इसको पूरा पढ़िए, लेट एक्स ऑफ कार्ड्स, ये कार्ड्स क्या थी हमारे पास, ये अरे थी। अब जब भी ये कोड रन होगा लूप चलेगी, वन बाय वन करके हमें तमाम वैल्यूज, पहली मर्तबा में एक्स इसके अंदर मिल जाएगा, सेकंड टाइम फिर दोबारा कोड एग्जीक्यूट होगा ये ब्लॉक, तो सेकंड टाइम हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी और तीसरी मर्तबा हमें मिनी, ठीक है इस तरह इस लूप में हम काम करते हैं फॉर ऑफ लूप। बहुत सिंपल सा तरीका है और आसान है, इसको आपको दिखा देता हूँ इधर या फिर कंसोल में, कंसोल में देख लें ताकि आपको समझ बेहतर लगे। अच्छा हमने अरे को डिफाइन किया, अरे को डिफाइन करने के बाद इसको हम कहेंगे कि यहाँ कंसोल में ही हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एक्स, पहली मर्तबा एक्स बीएमडब्ल्यू, दूसरी मर्तबा बॉल और तीसरी मर्तबा मिनी, ये जितनी भी वैल्यूज थी इसके अंदर से हमने इसको एग्जीक्यूट कर, ठीक है इस तरह फॉर ऑफ लूप के साथ आप काम करते हैं। क्या चीज, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट पड़े हो तो आपको वन बाय वन करके इसमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, एक्स में आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो इस तरह प्रॉपर्टी एक्सेस की जाती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फॉर इन लूप, जब फॉर इन लूप हम मोस्टली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट पे इटरेबल चलाने के लिए, ठीक है लूप चलाने के लिए, आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप वन बाय वन करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसको इधर से देख लें या जल्दी से, अगर इधर समझना है इधर से समझा देता हूं आपको। अच्छा द फॉर इन लूप, फर्ज करें आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है एक ऑब्जेक्ट है आपने, अच्छा इस कोड को इधर देखिए,
आपके पास ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पर, ठीक है, पर्सन, उसका फर्स्ट नेम क्या है जॉन, लास्ट नेम डोर, और एज उसकी क्या है 25। अब फॉर जो फॉर लेट फॉर इन लूप जो है उसमें उसका सिंटेक्स क्या है, लेट, ठीक है, लेट कीवर्ड, वेरिएबल का नेम, अब जो भी रखना चाहिए, लाजमी नहीं कि एक्स ही रखा जाए, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, आप इसको की लिख लें या कोई कुछ भी लिख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। इन पर्सन, पर्सन क्या चीज थी, ये ऑब्जेक्ट था हमारा। अब वन बाय वन करके ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, अब वन बाय वन करके उसे एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, वन बाय वन करके आपको मिल जाएंगी। इसको भी आपको दिखा देता हूँ, क्या चीज, इसको अरे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि ना किया जाए, ठीक है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन बेहतर है ना किया जाए, जो दूसरे जो लूप हमें दिए गए हैं हम उनको यूज करेंगे, इन जो है वो स्पेशली अगर हमने यूज करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, ठीक है, इसको अरे के लिए किया जाता है लेकिन हम नहीं करेंगे इसे। जी बिल्कुल, अच्छा ये देखिए कंसोल डॉट लॉग में एक्स अगर मैं करूं, अब हमारे पास क्या है, वन बाय वन करके इसमें तमाम प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, प्रॉपर्टी के नेम मिल जाएंगे, ठीक है, पहली मरतबा जब ये कोड रन होगा तो हमारे पास क्या चीज आएगी, एफ नेम, दूसरी मरतबा लास्ट नेम, और तीसरी मरतबा एज, ठीक है, इसको कोड करें, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम और एज, ये हमें क्या चीज दे रहा है, ये की दे रहा है, ऑब्जेक्ट की दे रहा है, तो अगर हमें एक्सेस करने की जरूरत पड़ जाए वैल्यू इसकी, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, हम सेम फर्ज करें, यही हमने कोड लिखा, हम कहते हैं कि नहीं, ये पर्सन, अगर हम इस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर की लिख दें, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू को एक्सेस करके दे देते हैं हमें, ठीक है, अब देखें, अब हमें पहली मरतबा जब ये कोड चलेगा तो जॉन, दूसरी मरतबा डो, और तीसरी मरतबा 25। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे पर्सन डॉट एफ नेम के साथ हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे तो किया जा ही सकता है, इस तरह हमने करना सीखा। एक और तरीका भी है, अगर हम इसमें इस तरह लिखकर इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग पास कर दें एफ नेम, तब भी हम एक्सेस कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, या तो हम डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, अगर हमें एक दूसरा तरीका चाहिए हम इस तरह भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। तो जब हमने फॉर इन लूप यूज किया था तो हमने ये इस मेथड के साथ उसमें से प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया, प्रॉपर्टी की वैल्यू को, क्या चीज, नहीं एज को स्ट्रिंग क्यों शो करेगा, नहीं डबल कोट्स के अंदर तो हमने सिर्फ की लिखी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू तो नहीं ना लिखी, उसकी वैल्यू तो वो तो नंबर में ही है हमारे पास, ठीक है, तो नंबर में हमारे पास है, क्लियर है। चलें ये फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप हमने देख लिया, अच्छा उसके बाद अरे के कुछ मेथड्स, वो तो लूप करने के तरीके थे ना हमने देख लिए, पहले हमने एक मेथड सीखा हुआ है आपसे तकरीबन एक डेढ़ महीने पहले, हम फॉर लूप यूज करते थे, फिर हमने वाइल लूप इस्तेमाल करना सीखा, हमने डू वाइल इस्तेमाल करना सीखा, फिर अभी जो ES6 में इन्होंने फॉर ऑफ लूप दे दिया आसानी के लिए, वो काम हम फॉर लूप के साथ भी कर सकते थे, हम सारा काम फॉर के साथ भी कर सकते हैं, सारा काम वाइल के साथ भी कर सकते हैं, डू वाइल के साथ भी किया जा सकता है, सिर्फ बहुत सारे तरीके उन्होंने वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट में काम आसान करने के लिए। तो फॉर ऑफ और फॉर इन हमने देख लिया, ये भी लूप करने के तरीके थे।
अब अरे के अंदर उन्होंने फिर एक मेथड एक और बना के दे दिया लूप के लिए, वो सिर्फ अरे पे ही यानी कि चला सकते हैं। अभी आपने पूछा था फॉरिन लूप यूज कर सकते हैं अरे के लिए, किया जा सकता है लेकिन हमने नहीं करना, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ है। ये हम फॉर ईच लूप यूज करेंगे अरे के लिए स्पेशल। अच्छा अरे के लिए फॉर ईच लूप क्या करते हैं, द फॉर ईच मेथड्स कॉल्स अ फंक्शन कॉल बैक फंक्शन वंस फॉर ईच अरे एलिमेंट। जितनी भी अरे की एलिमेंट है इसमें सबको वन बाय वन करके हम इसे यूज करते हैं। इसको लिखने का तरीका देखिए, फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे एक अरे मौजूद है फ्रूट्स, एक अरे मौजूद है फ्रूट्स की, हमने क्या करना है, हमने फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, ये अरे का मेथड है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड को यूज करने के लिए, किसी भी अरे के मेथड को यूज करने के लिए हम डॉट लिखकर उस मेथड का नेम लिखते हैं, जिस तरह पहले करते हैं, जिस तरह अरे डॉट स्प्लाइस, अरे डॉट स्लाइस, इसी तरह अरे डॉट फॉर ईच, ये एक मेथड है अरे का। तो फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, इसके अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन इसे कहते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस अरे में, इसने ये वाला फंक्शन जो है वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स के लिए चलाना है। इसमें कितनी वैल्यूज हैं, एक दो तीन चार, इसने वन बाय वन करके ये वाला फंक्शन तमाम एलिमेंट्स के लिए रन करना है वन बाय वन, और इंडेक्स के हिसाब से पहली मरतबा जब भी फंक्शन चलेगा तो किस चीज के लिए चलना है, इसने बनाना के लिए, जब सेकंड टाइम भी फंक्शन रन होगा ऑरेंज, थर्ड टाइम एप्पल के लिए, एंड फोर्थ टाइम और चौथी मरतबा मैंगो के लिए। अच्छा, इसके पहले पैरामीटर में हमें एलिमेंट इटसेल्फ मिलेगा, ठीक है, पहले एलिमेंट में जब भी ये फंक्शन रन होगा तो हमें एलिमेंट इटसेल्फ खुद मिल जाएगा। दूसरे पैरामीटर में इंडेक्स, वो एलिमेंट किस इंडेक्स पे मौजूद था, और तीसरे पैरामीटर में पूरी की पूरी अरे हमें मिल जाएगी हर मर्तबा। चलिए इसका आउटपुट देखें, हाँ इसका आउटपुट देखेंगे, देखिए हमारे पास फर्ज करें तीन फ्रूट्स हैं, या दो कर लेते हैं ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो जाए। अच्छा, ये मैंने कोड एग्जीक्यूट किया, देखें ये वाला कोड लिखकर हमारे पास फ्रूट से दो फ्रूट थे और मैंने फ्रूट्स पे फॉर ईच मेथड अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये हर मर्तबा हर एलिमेंट के लिए रन हुआ, पहली मर्तबा ये किस चीज के लिए रन हुआ था, बनाना के लिए, और दूसरी मर्तबा, तो देखें जैसे ही ये फंक्शन रन होता है हम क्या करते हैं, कंसोल करवा रहे हैं एलिमेंट को, इंडेक्स को और अरे को। पहली मर्तबा जब ये कोड रन हुआ तो ये बनाना के लिए रन हुआ था, ठीक है, तो देखें इसने कंसोल में कौन कौन सी चीजें प्रिंट करवाई, एलिमेंट इटसेल्फ, दूसरे में इसने इंडेक्स प्रिंट करवा दिया, और तीसरे में पूरी अरे, ठीक है, पूरी अरे ही इसने दे दी। और इसी मतलब जब सेकंड टाइम ये कोड रन हुआ तो सेकंड टाइम ये किस चीज के लिए रन हुआ था, ऑरेंज के लिए, तो देखिए इसने एलिमेंट के अंदर हमें ऑरेंज मिल चुका है, इंडेक्स में वो किस इंडेक्स पे मौजूद था, वो वन इंडेक्स पे मौजूद था, और तीसरे पैरामीटर में पूरी की पूरी अरे हमें मिल चुकी है दोबारा से। हाँ, अगर तो आपको इंडेक्स और अरे नहीं चाहिए तो फिर आप सिंपली इस तरह लिख देंगे कोड को, यूज ना ही करें, या फिर अगर आप लिख भी लें, आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप ना लिखें, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, सिर्फ एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है, इंडेक्स आपको नहीं चाहिए तो आप ना लिखें, नहीं आप इसको कुछ भी लिख लें, आप इसे एबीसी लिख लें, पहले ये पैरामीटर में जो भी चीज मिली है वो आपको एलिमेंट ही मिलना है पूरा, ठीक है, दूसरे में आपको इंडेक्स ही मिलना है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं पैरामीटर का, तीसरे में आपको अरे ही मिलनी है, आप उसका नाम कुछ भी रख लें, वो मैंने नाम भी वही रख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखिए
फर्ज करें मैंने यहाँ पे एबीसी लिख दिया था, तो एबीसी में हमें कौन सी चीज मिलनी है? ये पहला पहला पैरामीटर था, ये एलिमेंट इटसेल्फ ही हमें मिलेगा, अरे का पहला एलिमेंट बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो। अच्छा ये हमारे पास चार वैल्यूज थी, ठीक है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो, ये चार वैल्यूज हमें मिल चुकी है। ठीक है, क्लियर है? इधर आपको भी क्लियर है क्या चीज? ठीक है, अब इसमें फिर क्या करेंगे, आप दो पैरामीटर्स लिख लें और सिर्फ पहले को ही इस्तेमाल करें, सिर्फ इंडेक्स को इस्तेमाल करें। ठीक है, इसमें आपको अब इस तरह यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंडेक्स इस्तेमाल कर लें, दूसरों को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, 0 1 2 3 कंसोल में नहीं लिखना, आप उसको यूज करें। तुसी कंसोल क्यों करवाना जी, ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा एक चीज ये देखिए, जब हम इस फंक्शन को रन करते हैं, ये फ्रूट्स जो ये मेथड जब चलाया हमने, ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें एक नीचे अनडिफाइंड भी शो हो रहा है। ठीक है, जब ये अरे का फॉर ईच मेथड जब ये कॉल होता है, ये हमें कुछ रिटर्न करके नहीं देता। ठीक है, ये रिटर्न क्या करता है, अनडिफाइंड वैल्यू। ये अरे पे चीजों को अप्लाई करता है, फंक्शन को अप्लाई करता है, उसके अंदर जो भी हमने एग्जीक्यूशन करनी थी वो कर दी, ये बाद में कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा हमें। अच्छा इसको जरूरत नहीं है, हमने वन बाय वन चीजों पे इंप्लीमेंट कर दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, अनडिफाइंड खत्म करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं करना। अच्छा अरे डॉट मैप, नहीं नहीं ब्रेक करना पड़ेगा खुद, अगर आप करना चाह रहे हैं तो ब्रेक करेंगे। इसके साथ अभी हम और कुछ और मेथड्स देखते हैं अरे को, कि अगर आपने किसी चीज को फाइंड करना है तो किसी चीज को फाइंड करने के लिए अरे डॉट फाइंड का उन्होंने हमें एक और मेथड दिया हुआ है। ठीक है, ES6 में उन्होंने हमारे आसानी के लिए कुछ अलग से मेथड बना दिए, क्या चीज, हाँ इस तरह हमें कुछ मेथड दिए जो पहले काम हम सिर्फ फॉर लूप को यूज करके करते थे, ब्रेक करना पड़ता था हमें। अब हमारे पास उन्होंने कुछ चीजें दे दी है, फिल्टर्स दे दिए हैं, फाइंड करने का एक और तरीका दे दिया, मैप करने के लिए एक और तरीका दे दिया। इस वजह से हम जब काम करते हैं ES6 में तो हम फॉर लूप को कम ही इस्तेमाल करते हैं, हम जो मेथड यूज कर रहे होंगे मैप यूज करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे, ठीक है, फॉर ईच यूज करेंगे और एक फाइंड मेथड यूज करेंगे। अच्छा फॉर ईच कर लिया हमने, मैप देखते हैं, मैप द मैप मेथड, इसको समझना है आपने, द मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे विद द रिजल्ट ऑफ ए कॉलिंग With the result of calling a function for every array element. जब हमने map method use करना है, इसको लिखने का तरीका भी तकरीबन same, सिर्फ यहाँ पे for each की जगह हमने क्या use करना है, map, ठीक है, फिर उसमें हम function pass कर देंगे, ठीक है, function भी ऐसे ही function, callback function, उसके पहले parameter में element itself मिल जाएगा, दूसरे में index मिल जाएगा। अच्छा तब उसके बाद वो कहता है कि द मैप मेथड्स कॉल द प्रोवाइडेड फंक्शन वंस फॉर द ईच एलिमेंट इन अरे इन ऑर्डर, ठीक है, उसमें भी ऑर्डर में ही चीजें चलने वाली हैं, जिस तरह इसमें ऑर्डर में ही हमें चीजें मिल गई थी। ठीक है, पहले जीरो इंडेक्स के लिए काम करता है, फिर वन इंडेक्स के लिए, फिर टू इंडेक्स के लिए। अच्छा मैप मेथड क्या करता है, जब मैप मेथड वन बाय वन चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अंदर से उन चीजों को रिटर्न करवा देता है, जिसको हम यूज करके एक न्यू अरे क्रिएट करते हैं। वो जिस सेम लेंथ की होगी, ये शीट ना इधर दे दें, शीट इधर दे दें, ये बात आगे बात, थैंक यू।
चलिए अब इसको देखें, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कोड के अंदर। मैं अच्छा मैं आपको इधर समझे, आप हमारे पास अरे मौजूद थी नंबर्स की, ठीक है, नंबर्स की। इसमें जीरो इंडेक्स पे वन नंबर है, 25 है भी वन इंडेक्स पे, ये कुछ इंडेक्स में नंबर्स मौजूद है सिर्फ। जब हमने इस पे मैप मेथड अप्लाई किया तो वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स के लिए, अब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वन बाय वन करके। पहली मरतबा जब इस ने एग्जीक्यूट होना है फंक्शन ने, तो हमें कौन सी चीज मिलेगी? दूसरी मरतबा जब ये फंक्शन चलेगा फिर कौन सी चीज मिलनी है? 25। तीसरी मरतबा 37 और चौथी मरतबा 50। अच्छा अंदर से देखिए, हम रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न क्या करवा रहे हैं? एक डिव का एलिमेंट, ठीक है, उसमें वन बाय वन करके, मैंने आपको बताया ना हमें इसमें इस पैरामीटर में वन बाय वन करके एलिमेंट मिलने वाला है। ये कल हमने सीखा, अभी टेम्पलेट लिटरल्स। क्या चीज, कौन सा फंक्शन? हाँ ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है, आप इस फंक्शन को अलग से बना सकते हैं, सिर्फ पैरामीटर ऐसे पास कर सकते हैं इस फंक्शन को। हाँ अब ये वन बाय वन करके इसको देखिए ना, वन बाय सबके साथ करेगा। पहली मरतबा जब इस फंक्शन ने चलना है, हमें नंबर में कौन सी वैल्यू मिलनी है? हम वन को मल्टीप्लाई किस चीज से के साथ कर रहे हैं? 54 के साथ। पहली मरतबा जब ये नंबर रिटर्न होकर आएगा तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह की बन जाएगी। दूसरी मरतबा जब ये चीज आएगी हमारे पास, दूसरी मरतबा एक चीज क्या बन जाएगी? 25। तीसरी मरतबा 37 और चौथी मरतबा 50। अब ये हम एक चीज रिटर्न करवा रहे हैं अंदर से, तो रिटर्न करवा रहा है, इसने वन बाय वन चीजों को रिटर्न करके एक न्यू अरे बनाकर ही हमें देनी है। तो हमारे पास न्यू अरे किस तरह की बन जाएगी? हम कहते हैं कि लेट न्यू नंबर्स, हमारे पास न्यू अरे कुछ इस तरह की बनने वाली है। ठीक है, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसने वन बाय वन क्या किया, जितने भी नंबर थे उस पे इसने मल्टीप्लाई किया 54 से। 54 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसने इस चीज को रिटर्न करवा दिया। अब रिटर्न करवाने के बाद वो हमें एक न्यू अरे क्रिएट करके दे रहा है, तो हमारे पास जो न्यू अरे बनने वाली है वो इस तरह की बनने वाली है। उसके पहले इंडेक्स में क्या चीज आ जाएगी? वन मल्टीप्लाई बाय 54। और अगर हम उसके साथ कुछ और चीजें करना चाहें, ठीक है, हम डिव का एलिमेंट बनाना चाहें या पैराग्राफ लिखना चाहें, हम वो काम भी कर सकते हैं। तो न्यू नंबर में हमारे पास कौन सी चीज आ जाएगी? इस तरह का एलिमेंट आ जाएगा। इसको करके देख लें, ये देखें, मैं कंसोल करवाता हूं। लॉग न्यू नंबर, फिल्टर चल रहा है, फिल्टर को अच्छा देखिए, ठीक है, पहले इंडेक्स में क्या चीज आ गई हमारे पास? डिव, एक ने मल्टीप्लाई किस चीज के साथ? 54, तो 54 बन गया ये, ठीक है। 1350
ठीक है, 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया 54 से, तो जो भी वैल्यू बन गई यार, इसको आसान कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 25 को 2 से किया 50, उसके बाद 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया 74, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100। तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू अब रिटर्न होकर आ चुकी है। एक न्यू अरे हमें किस सूरत में मिल गया, अंदर से चीजों पे एक्शन परफॉर्म होने के बाद उसने एक न्यू अरे बनाकर दे दिया हमें, और जिस न्यू अरे को हम सेव कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। हमने न्यू नंबर लिख लिया या न्यू नंबर लिख लें या कुछ भी लिख लें, लग गई समझ। पुरानी अरे चेंज नहीं होती, पुरानी अरे एज इट इज ही हमारे पास मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक न्यू नंबर, एक जो न्यू अरे बनी है, और जो ओरिजिनल अरे थी वो एज इट इज ही रहेगी हमारे पास, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जो पुरानी अरे थी वो एज इट इज 125, 37 और 50 है, जो न्यू अरे बन गई है वो इस तरह की बन गई हमारे पास। ठीक है, मैप मेथड हम इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई नंबर है, हम उसको मल्टीप्लाई करें, उस पर प्रोसेसिंग करें, उसके साथ कंकैटिनेशन करें, कुछ भी करें, हम नहीं लगाना चाहते ना लगाए। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि जब हम आगे काम कर रहे होंगे रिएक्ट के साथ, हमारे पास एक अरे मौजूद होगी तो हम इस तरह चीजों को बनाएंगे। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं ताकि आपको बार बार उधर जाकर समझाने की जरूरत ना पड़े, आप एक टाइम में ही समझ जाए, उधर जाकर तो समझाना पड़ के उन्हें समझ लो। अगर आप स्ट्रिंग को नहीं लगाना चाहते तो ठीक है, आप छोड़ दें, स्ट्रिंग को ना लगाएं, आप सिर्फ ऐसे ही सिर्फ करना चाहते थे, आप सिर्फ इसको वैसे कर लें। इसने क्या करना है, नंबर ने मल्टीप्लाई करना है 2 से, और वो चीज रिटर्न होकर हमारे पास आ जाएगी 1 by 1 करके, वैल्यू जो उसकी है वो न्यू नंबर में सेव हो जाएंगी, उसको आप ठीक है वो 2, 50, 74 और 100। ठीक है, हो गया क्लियर। चले उसके बाद फॉरिच देख लिया हमने, मैप भी देख लिया। अच्छा फिल्टर, कौन सी किस जगह पे, इधर रिटर्न से पहले नहीं, रिटर्न के बाद कंसोल नहीं करवा सकते। जब रिटर्न हो गया एक मर्तबा, फंक्शन रिटर्न हो गया, उसके बाद हम कुछ कोई भी लाइन लिख दें वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, रिटर्न के बाद कुछ भी हम लिख दें वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती फंक्शन के अंदर। अच्छा, उसके बाद अरे डॉट फिल्टर, अरे का मेथड है फिल्टर, वो क्या करता है, द फिल्टर मेथड क्रिएट्स एन अरे फिल्ड विद ऑल अरे एलिमेंट्स डेट पास अ टेस्ट। फिल्टर मेथड ये हर एलिमेंट पे एक टेस्ट करता है, अगर तो वो टेस्ट पास हो जाए तो वो उस एलिमेंट को एक न्यू अरे में डाल के दे देता है। हम उसके अंदर एक टेस्ट लिखेंगे फिल्टर के अंदर, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो वाला एलिमेंट हमें नई अरे में मिल जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए, तो फिर वो वाला एलिमेंट हमें न्यू अरे में नहीं मिलने वाला। लगी समझ, इसको करके देखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, फर्स करें हमारे पास यहाँ पे कुछ पर्सन्स मौजूद थे, हमारे पास एक अरे है, अरे के अंदर यहाँ पे 4 यूजर्स, ठीक है, पर्सन्स है ना, 4 लोगों का डाटा मौजूद है, ये अरे है ना हमारे पास, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। हमने जो मेथड जो यूज करना है वो तो हम अरे पे कर रहे हैं ना, पर्सन्स पे।
चले, ये पर्सन्स थे हमारे पास चार पर्सन्स अरे के अंदर, ठीक है। पहले यूजर का क्या नेम था? उमर। दूसरे में उसका नाम है अली। तीसरे में अहमद और चौथे में भी उमर। हमने पर्सन्स पे क्या लगाया? फिल्टर, कि फिल्टर करके दे हमें कुछ यूजर्स, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो होती है, जिस तरह फर्ज करें आप पानी का फिल्टर लगाया हुआ है, आप में उसमें से छान लेते हैं कुछ चीजों को, ठीक है। ठीक है, वहां पे कोई भी जरात वगैरह इस तरह की चीज को साफ करके हमें प्योर चीजें चाहिए, ठीक है। उसी तरह ये फिल्टर यहाँ पर बनाया हुआ है, पर्सन पे फिल्टर लगाए, और वो कह रहा है कि इसके अंदर से उन तमाम एलिमेंट्स को रिटर्न करवा दे। पर्सन डॉट वेयर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज नॉट इक्वल टू उमर। तो ये हमें एक नई अरे बनाकर दे रहा है। नई अरे में कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी? जिसमें वो तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज नॉट इक्वल टू उमर। तुम्हारे पास ये फिल्टर डाटा जो है, इसमें वो तमाम चीजें मौजूद होंगी अब, जिनमें फर्स्ट नेम इज नॉट इक्वल टू उमर। देखिए फिल्टर डाटा, हाँ ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू कब होने वाली है? ये कंडीशन उस टाइम ट्रू होगी जब पर्सन डॉट फर्स्ट नेम उमर नहीं होगा, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसमें सिर्फ अली और अहमद आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें अली आ गया और अहमद आ गया। फर्ज करें मैं कहता हूं कि तमाम ऐसे यूजर्स हमें ला कर दो जिनके नेम उमर ही होने चाहिए, ठीक है। फर्ज करें पहली मरतबा उमर और अहमद था, दूसरी मरतबा उमर और यहाँ पे लिख लें रियाज, ठीक है। फर्स्ट नेम उमर और लास्ट नेम रियाज, कि ऐसे तमाम यूजर हमें ला के दो जिनका फर्स्ट नेम क्या है? उमर। तो अब देखें ये फर्स्ट नेम इसका उमर ही है, इसका भी फर्स्ट नेम उमर है, इसका लास्ट नेम क्या था? अहमद। इसका लास्ट नेम रियाज। तो इस तरह हमने फिल्टरिंग कर फिल्टर किया डाटा को। क्या चीज? आप अंदर जितनी चाहे कंडीशन लगाना चाहे लगा सकते हैं। अभी हमने एक कंडीशन लगा दी ना, ये देखें हमने लिखा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू उमर। इसके आगे हम मजीद कर लेते हैं पर्सन डॉट लास्ट नेम क्या होना चाहिए? रियाज। कि एक मुकम्मल कंडीशन बन रही है, ठीक है। इसमें पर्सन डॉट फर्स्ट नेम उमर होना चाहिए, लास्ट नेम रियाज, और सिर्फ उस तरह के यूजर मिलाकर दो। अब इसे रिफ्रेश करें तो ये देखें फर्स्ट नेम उमर और लास्ट नेम रियाज हो, तभी उसने वो हमें डाटा लाकर देना है रे से। क्लियर समझ में लगी हो क्वेश्चन किसी का? सबको लग गई? एक मरतबा दोबारा समझा दें। फिल्टर किया जाता है हम रे के अंदर फिल्ट्रेशन करने के लिए, प्योर डाटा हासिल करने के लिए। हमारे पास अरे के अंदर बहुत सारा डाटा मौजूद है, लेकिन हमें कुछ डाटा चाहिए, हाँ मखसूस डाटा चाहिए, स्पेसिफिक डाटा चाहिए। तो उसके लिए हम टेस्ट लिख देते हैं एक फिल्टर के साथ। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे चार यूजर्स थे, तो हमने क्या किया? हमने उस पर फिल्टर अप्लाई किया और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं। अरे का मेथड फिल्टर, उसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं। इसमें वन बाय वन करके, ठीक है, ये पर्सन हमें मिलने वाला है। ये जो फंक्शन जो है ये वन बाय वन करके ये सारी चीजों पे चलने वाला है। पहली मरतबा इसने चलना है इस चीज के लिए, पहले इंडेक्स के लिए अरे के, फिर दूसरी मरतबा इसने दूसरे इंडेक्स के लिए, तीसरी मरतबा थर्ड इंडेक्स के लिए, और फिर बाद में लास्ट टाइम इस चार मरतबा इस कोड ने रन होना है। इस फंक्शन ने कितनी मरतबा चलना है? चार मरतबा। हर मरतबा ये चेक कर रहा है
कि अगर तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम उमर के बराबर है और लास्ट नेम रियाज के बराबर है, तो इस वैल्यू को एक नई एरे में डाल के दे दो हमें। तो जब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो हमें नई एरे में वैल्यू को डाल के दे देगा जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। उसको हमने यहां पे कंसोल करवा के देख लिया। अच्छा एक चीज अब आपने देखनी है यहां पर कि फर्ज करें ये तो हमने फिल्टर कर लिया बहुत सारा अरे में से कुछ डाटा फिल्टर करने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास एक यूजर भी आ रहा है यहाँ पे तब भी ये उसकी अरे बनाकर दे रहा है, तब भी उसकी अरे बनाकर ही दे रहा है। फर्ज करें हमें एक यूजर फाइंड करना था, हम उसके लिए फिल्टर तो कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर कर उसके एग्जैक्ट उसका डाटा लिख कर हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने हमें अरे के अंदर ही डाटा देना है। अरे में से हम वैल्यू किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, इसके जीरो इंडेक्स पे जाके हम उसे यूज कर सकते थे, लेकिन उसने हमें एक और मेथड भी दिया हुआ है कि अगर हमें सिर्फ एक यूजर ही फाइंड करना है तो उसके लिए अरे डॉट फाइंड का मेथड यूज करेंगे। अरे डॉट फाइंड क्या करता है, वो तकरीबन फिल्टर वाला ही काम करता है, लेकिन वो हमें सिर्फ एक वैल्यू लाकर देता है हमेशा, वो चाहे वो वैल्यू 10 मरतबा भी लिखी होगी तब भी उसने पहली वैल्यू जो उसको मिल जाएगी उसने हमें वो वाली वैल्यू को रिटर्न करवा देना। तो वो किस तरह काम करता है ये देखिए। हमारे पास पर्सन मौजूद थे, ठीक है, चार यूजर्स उसके अंदर है, इसने जो फंक्शन फाइंड मेथड जो है ये रन होगा वन बाय वन करके तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम एलिमेंट्स के लिए इसने वन बाय वन रन होना है। और जैसे ही इसको पहली मर्तबा उमर मिल जाए, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू उमर, ठीक है, डबल इक्वल उमर, तो इसने क्या करना है उस यूजर को, उस ऑब्जेक्ट को, उस एलिमेंट को अरे से निकाल कर हमें एक न्यू वेरिएबल में ला के दे देना है, ठीक है। फिर बाद में आप इसको यूज करना चाहें, आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। क्या चीज़? हाँ, इसके बाद ये दूसरों के लिए काम नहीं कर रहा, ये जैसे ही इसको डाटा मिल गया फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक कर देना है जी, रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए हम फर्स्ट नेम उमर और लास्ट नेम अहमद ला कर दे रहे हैं, ये दूसरे उसके लिए चला ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हालांकि हमारे पास लास्ट में भी उमर मौजूद था, ठीक है, लेकिन इसको जैसे ही ये वाला यूजर मिल गया इसने उसके बाद रन नहीं होना, हमारा एक कोड वहां पर वो फाइंड का काम खत्म हो चुका है, उसने हमें वो यूजर ला के दे दिया। इसी तरह अगर मैं लास्ट नेम लिख दू रजा जो है ये हमें दो यूजर्स के साथ मिल रहा है, इसको जैसे ही पहला यूजर मिल जाएगा अली, ठीक है, ये वाला, इसने यहां से डाटा रिटर्न करवाना है जिसे हम यूज कर सकते हैं बाद में, पर्सन डॉट लास्ट नेम, देखिए ये अली रजा इसने ला के दे दिया। हम सिर्फ इसमें क्या चीज है कि हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, जब मैं कहता हूँ कि टेस्ट कर रहे हैं, कंडीशन इस पे लगा रहे हैं, तो कंडीशन वर्क किस तरह करती है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है इसका डाटा या तो ट्रू में मिलता है या फिर फॉल्स में मिलता है हमें, ठीक है, जब भी कोड हम कोई एग्जीक्यूट करते हैं कंडीशन लिखते हैं, इफ के साथ लिख रहे हैं, किसी भी चीज के साथ हम लिख रहे थे, फॉर में हमने कंडीशन लिखी हुई थी, ठीक है, हम कहीं पर भी कंडीशन लिखते हैं उसका वो कंडीशन या तो ट्रू हो जाती है या फिर फॉल्स हो जाती है, कंडीशन तो दोनों से एक ही चीज हो सकती है, ठीक है। तो अगर तो हम यहाँ पे सिर्फ इस तरह कर दें, ट्रू लिख दें, रिटर्न ट्रू, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हो चुकी है, अंदर इसने वन बाय वन करके सारी चीजों के लिए चलना था,
तो ये हर मरतबा इसको जब हम यहाँ से ट्रू कह रहे हैं कि रिटर्न करवा दो, ट्रू आएगी, कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो इसने तमाम एलिमेंट्स को हमें लाकर एज इट इज ही अरे दे देनी है। इसको हम सोल्व करवा के देखें, फिल्टर डाटा, ये देखिए हमें ये सारे यूजर्स मिल चुके हैं। लेकिन अगर मैं इधर फॉल्स को कर दूं रिटर्न, तो अब इसका मतलब है टेस्ट जो है, जो हमने कंडीशन जो अंदर लिखनी थी वो फॉल्स हो गई है हमारे लिए। और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो वाला यूजर हमें नहीं मिलता, तो इसने एक ब्लैंक ब्लैंक अरे क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, लग रही समझ? क्या करने का फायदा? नहीं, हमने ट्रू और फॉल्स करना नहीं है कभी भी। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि कंडीशन वर्क किस तरह करती है। आपने कभी भी ट्रू और फॉल्स नहीं करना। ये तो मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं, डीप नॉलेज, कि आप ये चीज काम करती कहते हैं कैसे है, एट द यानी के बैक पे। आपने यूज नहीं करना इसको एज इट इज, आपने कंडीशन ही लिखनी है। टेस्टिंग के लिए, डिबगिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको डिबगिंग के लिए ही हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम कंडीशन जो हमने लिखनी है और टेस्ट करने है, टेस्ट किसी डाटा पे ही टेस्ट किया जाता है। सिर्फ ट्रू करके सारी चीजों को ट्रू करवाना या फॉल्स करके सारी चीजों को रिमूव कर देना, ऐसा मकसद नहीं हो सकता कभी भी। अगर तो हमें किसी चीज को रिमूव करना है सारी चीजों को, तो हम यूज ही ना करें उसे, ठीक है, हम ब्लैंक करें वैसे ही लिख दें। और अगर हमें सारी चीजें ही चाहिए तो फिर हम उस पर टेस्ट लगाए ही क्यों, फिल्टर करें ही क्यों फिर? तो क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, हमने फॉरिज देख लिया, मैप भी देख लिया और फिल्टर भी देख लिया, उसके बाद फाइंड भी देख लिया हमने कि अरेस में से डाटा फाइंड किस तरह किया जाता है। चलिए, आज का लेक्चर जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। आज जल्दी छेती फारग हो गए। चलिए ऐसा करें, फिर कंप्यूटर चल रहे होंगे आप सारों के सामने, नहीं चल रहे? चल गए कंप्यूटर चला रहे, सारे असाइनमेंट करते हैं छोटी सी।